नमस्ते दोस्तों, रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ राजमा की रेसिपी। तो चलिए, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ये मैंने रात को राजमा भिगाए हुए थे ओवरनाइट के लिए, कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं इनको भिगाने में। तो यहाँ पर मैं कुक कर ले रही हूँ, 3 से 4 सीटियां लगानी है। यहाँ पर मैं पानी डाल दूंगी, 3 से 4 गिलास पानी आप डाल देना। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम राजमा लिए थे, इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले, 1 बड़ी इलायची, लौंग और 1 तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें तेल, या आप घी भी डाल सकते हो इसमें। मैं तेल डाल रही हूँ, इसको कर लेते हैं हम कवर। 4 से 5 सीटियां लगानी है हमने। गैस को कर देती हूँ मैं ऑन, 4 से 5 सीटियां लग रही है। तब तक मैं आपको कुछ मसाले बता देती हूँ। 2 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च। हम इनका क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये मेरे राजमा जो है बॉईल हो चुके हैं, मैंने 4 से 5 सीटियां लगा ली थी। अब मैं तड़का लगा लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल दिया, तेल को हम गर्म होने देते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। हल्का हल्का हम थोड़ा सुनहरे होने तक थोड़ा भून लेते हैं। प्याज जो मैंने कद्दूकस कर रखी थी, पीस रखी थी, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। प्याज को भी हम हल्का सुनहरे होने तक भूनना है इसको अच्छे से। इसमें मैं डाल दूंगी नमक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से भुन जाएं। देखो टमाटर भी जो है हमारे साइड से भुन चुके हैं, तो देखो ऑयल छोड़ दिया उन्होंने। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छे से भून लेते हैं मसालों को हम। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि जो मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। थोड़ा सा डाल देना, पानी जो है डालना ठीक रहता है, मसाले जो है ना हमारे अच्छे से भुन जाते हैं, नीचे जलते नहीं है ना, तो टेस्ट भी अच्छा आता है सब्जी में। ये देखिए साइड से जो है ना तेल छोड़ दिया, और मैंने इसमें डाल दिया 1/2 चम्मच गर्म मसाला। और मसाला हमारा जो है भून के एकदम तैयार हो चुका है,
और इसने साइड से तेल भी छोड़ दिया है। अब जो मैंने बॉयल राजमा कर रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए राजमा हमारे कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप इसमें अब एक काम करना, आप आधा पौना ग्लास पानी डाल देना। आपको ग्रेवी वाले खाने हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल देना। तो मैं यहाँ पर उसी बर्तन को धो के इसमें मैंने आधा कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। इसको मैं पकने देती हूँ। इसमें मैं डालूंगी इसमें कस्तूरी मेथी। ये देखिए इसको हम 5 से 6 मिनट तक पकने देते हैं और गैस को जो है ना हम मीडियम कर देंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके थे हमारे राजमा को पकते पकते। ये जो हमारा जो कड़ी पत्ता ये जो है निकाल देंगे इसको। मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। और राजमा हमारे बन के हो चुके हैं तैयार। अब राजमा बनाया तो आप चावल भी बना लेना। ये देखिए बढ़िया बन चुके हमारे राजमा। मैंने गैस को कर दिया है बंद। अगर मेरे राजमा की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई। बाय।